लूका 10 अध्याय में दयालु सामरी के दृष्टांत के बारे में आज हम देखेंगे। एक आदमी यीशु मसीह के पास आकर पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन की वारिस होने के लिए मुझे क्या करना, ऐसे करके वो पूछता है। तब यीशु मसीह उनको ऐसा ही बोला, व्यवस्था में क्या लिखा है, ऐसे करके यीशु मसीह उनसे पूछा, और तुम कैसे पढ़ता है उसको, वो भी यीशु मसीह ने पूछा। तब उसने उनको, यीशु मसीह को ऐसे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम परमेश्वर को कैसे प्रेम रखना, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और वो कहता है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा ही लिखा है। तो यीशु मसीह उनको ऐसा ही बोला, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तुम जीवित रहेगा, ऐसे करके यीशु मसीह उनको बोला। तो ये आदमी अपने को बहुत धर्मी जैसे यीशु मसीह को दिखाने के लिए पूछ रहा है, तो मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, पूछ रहा है ना। तब यीशु मसीह उनको ऐसा एक दृष्टांत के द्वारा उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीगो को जा रहा था। यरूशलेम से यरीगो, देखो यरूशलेम है ना, एक पहाड़ है ना, तो वहाँ ऊपर है यरूशलेम, तो वहाँ से वो यरीगो जा रहा था, मतलब नीचे आ रहा था। यरूशलेम एक परमेश्वर की आराधना करने का एक स्थान है, हाँ? तो वहाँ छोड़कर वो यरीगो जा रहा था। तो जाते समय में रास्ते में डाकू लोग, चोर लोग आकर उसको मारा, पीटा और उनका वस्त्र को ले लिया, कपड़ा, उनके कपड़े को छीन लिया जो उसके पास है वो सब कुछ। डाकू लोग क्या करते हैं, चोर करते हैं ना, तो उनके पास जो जो है सब कुछ लेकर उसको मारा, बहुत पीटा, घायल कर दिया, ऐसे उसका जान को ऐसे अधमरा छोड़ के चला गया। तो ये रास्ता पर पड़ा है। तब एक याजक आता है, कौन आता है, वो ऐसे ही पड़ा था ना, तो एक याजक आता है, आके ऐसे देखता है, देखते साइड होकर वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर में एक लेवी आता है, वो भी आकर ऐसा देखकर साइड होकर चला जाता है। तो बाद में एक सामरी यात्री वहां आता है, तो उनको देखकर वो तरस खाया, क्या कहा, तरस खाया, दया आ गया, ओयो इतना खून बह रहा है, सही अधमधरा, कभी भी ये मर जाएगा ऐसा लग रहा है करके उसके ऊपर तरस खाया। तरस खाकर फिर उसको उठाया, और उनका गाँव होता है ना, तो उसमें तेल और दाकरस डाला और पट्टियां बांधा, जो अपने पास कुछ वाहन रखा होगा, घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, उस जमाने में कुछ भी हो सकता है, हाँ? जो उसने लेके आया, तो उसके ऊपर इस आदमी को रख कर फिर उनको लेकर एक सराय में लेके उसको छोड़ दिया, और उनके लिए जो जो पैसा की ज़रूरत था उसने दिया। फिर दूसरे दिन वो वहाँ से निकलना था, इसलिए वो मालिक के पास जाके 2 दिनार पैसा दिया, और उनको ऐसे ही कहा, तो मैं वापस आऊँगा, इनके लिए कितना भी खर्च होगा मैं आपको आके दे दूँगा, करके वो छोड़ के चला गया। तो इस ये दृष्टांत यीशु मसीह उस आदमी को बता के पूछा था। तो डाकू से जो घायल हुआ, तो उन ये 3 लोग आए, एक याजक आया, एक लेवी आया, एक सामरी आया, ये 3ों में से कौन है पड़ोसी। तो तुरंत वो आदमी ने उत्तर दिया, वो जिसको, मतलब उन पर कौन दया दिखाया वही है पड़ोसी। कौन दया दिखाया बेटा, सामरी। हाँ,
वही है पड़ोसी। तो तुरंत यीशु मसीह उनसे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर, मतलब दूसरे को, पड़ोसी मतलब दया दिखाना, जान बचाया। अधमधुरा छोड़ के शैतान लोगों को चला जाता है, लोगों की जिंदगी में चोर, चोर मतलब शैतान आके उनको मारता है, घायल कर देता है, तो कौन उनको बचाना? यीशु मसीह को कौन बताएंगे? हम ही तो बताना, हम उनको दया दिखाना, यही यीशु मसीह ने उनको सिखाया। बोलते हैं जा तुम भी वैसा ही कर, ठीक है। तो इसमें से पड़ोसी मतलब तुम जैसे ही अपने को प्रेम करता है वैसे ही अपनी पड़ोसी को भी प्रेम कर। हम लोग क्या सोचेंगे, मुझे अच्छा सा सब लोग प्यार करना, मदद करना, मेरे लिए सब लोग मदद करना, मुझे अच्छा सा पढ़ना, मैं अच्छा से आगे बढ़ना, सोचते नहीं सोचते? सोचते हैं। तो अपने को जैसे प्रेम करते हैं अपनी पड़ोसी को भी प्रेम करना, अपनी भाई बहन भी आगे बढ़ना, हाँ मेरा भाई बहन भी अच्छा सब पढ़ाई करना, उनको भी परमेश्वर के आंख में दया मिलना, लोगों के आंख में दया मिलना, वो भी आगे बढ़ना, वो भी चंगाई से रहना, वो भी आशीष से रहना करके हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हैं? उनको और भी, हमको अगर कुछ वचन पता है तो उनको भी हम सिखाएंगे, उनको भी यीशु के पास लेके आएंगे। जैसे हम अपने को प्रेम करते हैं वैसे हम अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना करके यीशु मसीह इस दृष्टांत को उनको बताया ना। पड़ोसी कौन है वो पूछता है, जो दया दिखाता है वही है पड़ोसी। वैसे तुम भी अपनी पड़ोसी को प्रेम कर। पहले क्या बोला, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे शक्ति, सारी बुद्धि से हमको प्रेम करना, पूरी अपनी ताकत से पूरा प्यार करते हुए हम अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। देखो यरूशलेम से वो यरीगो जा रहा था, यरूशलेम से यरीगो नीचे परमेश्वर की आराधना करने वो एक जगह को छोड़कर वो जा रहा है। तो यीशु मसीह को छोड़ के जो कोई भी दूर जाते हैं उनको शैतान मारता है। देखो डाकू लोग आ गया, चोर लोग आ गए, हाँ आके उनको क्या किया, मारा, कपड़ा पूरा ले लिया, चोरी कर दिया। इतना ही नहीं, जान को भी अधमरा छोड़ के चला गया। वो तड़पता होगा ना, तड़पता होगा। चोर देखो शैतान यही काम करता है, लोगों की जिंदगी में दूर लेके जाता है, सच्चाई परमेश्वर से दूर लेके जाता है, अपनी यीशु मसीह से दूर लेके जाता है, झूठ बोलता है, यहाँ देखो इधर से उधर अच्छा है करके दिखाता है, ये झूठ को सच जैसे ही बताता है। तो इंसान चले जाता है वाके मारता है, कपड़ा को भी छीन लिया, देखो कितना अपमान है, हैं? वो जो पहना हुआ है कपड़ा भी ले लिया। चोर यही काम करता है, चोर चोरी करने, घात करने, मार डालने के लिए आता है। इस वचन यीशु मसीह कहा, कहा ना योहन्ना 10 अध्याय में 10वां वचन में यीशु मसीह कहा है, चोर चोरी करने, घात करने, मार डालने ही आता है, इसके बिना वो किसी काम के लिए नहीं आता है, अच्छे काम वो हमको दे नहीं पाएगा। शैतान यही काम करता है लोगों की जिंदगी में, हैं? क्या क्या चोरी होता है, अपना आनंद को, हमारा जो खुशी है उसको वो चोरी करता है, और चंगाई को चोरी करता है, जो अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग पढ़ते हैं वो ज्ञान को चोरी कर देता है, जो याद करते हैं उनको भी भुलवा जाता है, चोरी कर देता है, चंगाई, खुशी, आनंद सबको चोरी कर देता है, यही काम करता है शैतान। इसलिए बच्चे लोग हम यीशु मसीह को छोड़कर दूर नहीं जाना, हाँ यीशु मसीह के साथ हम हमेशा रहना, हाँ विचार में भी, हमारा सोच में भी, ये नहीं, ये कभी नहीं भूलने का, यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं,
देखा वो तेल डाला, क्या डाला? तेल डाला और दाखरस डाला। दाखरस किसको बताता है? यीशु मसीह का लहू को बताता है। घायल हो गया ना, वो घायल में तेल डालकर दाखरस डालकर पट्टी बांधकर उसको अच्छा किया। हमारा यीशु मसीह आया है हमको जीवन देने के लिए, वो भी बहुधायत के जीवन देने के लिए आया है। जो घायल हुआ था उस जगह पर पट्टियां बांधा, मतलब बचाता है ना, दवाई डालकर तेल डालकर उस जलता होगा, दर्द होता होगा। शैतान क्या करता है? दर्द, ऐसा ही दर्द देता है। लोग ऐसे दुख में, पीड़ा में, बीमारी में ऐसे से होते हैं ना, दर्द से चिल्लाते हैं ना, शैतान को अच्छा लगता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह को वो बहुत दुख लगता है। हम जो कोई भी यीशु मसीह को पुकारते हैं वो तुरंत आकर वो क्या किया है? हमको बचाता है। वैसे देखो इधर दयालु सामरी क्या किया, आकर तरस खाया। हमारा यीशु मसीह भी एक दयालु सामरी के समान हमारा जीवन में आया है। शैतान हमारा जीवन का जो कुछ आनंद है, स्वस्थ जीवन है, अच्छे मन, सबको वो बिगाड़ देता है। झूठ को बोल बोल के अंधकार को लेके आता है, जीवन में अंधकार को लेके आता है। लेकिन यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर हमारे जीवन में आता है, वो अंधकार दूर हो जाता है। देख अंधकार मतलब ऐसे ही वेदना, दर्द, ये सब क्या होता है? अंधकार, अंधकार में ही होता है ना। हाँ, लोग क्या होते हैं, कुछ बीमारी हो जाता है, नहीं तो जीवन में कुछ दुख हो जाता है, लाइट सब बंद करके अंधियारे में जाके बैठ के रोते हैं। हाँ, शैतान बोलता है चले जाओ, अकेला चले जाओ, बस लाइट सब बंद कर दो, दुख में पड़े रहो। हाँ, बाल बाल ऐसे ही कर दो। हाँ, काला कपड़ा पहन दो, बस सबको दिखाओ मैं दुख में हूं। हाँ, काना नहीं काने का सिखाता है, सिखाता है, नहीं सिखाता है। कोई कोई लोग ना क्या करते हैं, काना मत खाओ, दुख में ही रहो, बस अकेला चले जाओ, अंधियारे में जाके बैठ जाओ, मतलब दुख को बहुत ले लेके रो। शैतान ऐसे झूठ बोलता है। लेकिन बच्चों लोग हमारा जीवन में है ऐसा ही परिस्थिति, कभी शैतान लेके आएगा तो भी, नहीं तो हम भी अपने जीवन में कुछ है गलत किए तो भी, हमको कभी भी अकेला नहीं रहना, कभी भी अकेला नहीं रहना। हम तुरंत परमेश्वर के पास दौड़ के आना है, और कलिशिया में भी दौड़ के आना, भाई बहन की संगति में हमको रहना, वही हमारे लिए सुरक्षा है। ये आदमी क्या करता है, यरूशलेम छोड़कर यरीहो जा रहा है, अकेला जा रहा है। देख शैतान यही काम करता है लोगों की जीवन में, यीशु मसीह को छोड़कर है, कलिशिया की छोड़कर, भाई बहन की संगति को छोड़कर है, हमको कहीं अकेला नहीं जाना। यीशु मसीह आया, क्या किया? पट्टियां बांधा, तेल डाला, अपना लहू बहाया, दाखरस डाला, मतलब यीशु मसीह का लहू को बताता है। देखो अपने हमारे लिए पूरा लहू बहा दिया क्रूस पर, वो हमसे इतना प्यार किया। चोर हमारा जीवन में आके जो जो नाश किया वो सबको वो पट्टियां बांधा, जो हमारा मन घायल हो गया था है, शरीर भी घायल। क्या हुआ उस आदमी को? शरीर पूरा घायल हो गया, मन भी घायल हो गया ना, वो मारा पीटा सब लेके चला गया, उसका मन कितना दुख हुआ होगा है, उसका मन कितना दुख हुआ होगा। वो दुख में, मन की दुख, शरीर की दुख से वेदना में तड़पता होगा। शैतान ऐसे ही लोगों को दर्द देता है, लेकिन दयालु समारी बनकर हमारा यीशु मसीह आकर हाँ हमारे लिए अपने पूरा जान बलिदान दिया है, लहू बहाया। क्या किया? लहू बहाया, यीशु मसीह लहू बहाया, उस लहू को हमारा घायल में डाला, पट्टियां
बांदा हमको जीवन दिया, बच्चा लिया, बच्चा लिया ना। यस आंटी। अगर वो आदमी को वहां कुछ हो गया तो वो मर जाता था, लेकिन दयालु समारी जैसे उसको उठाकर सब पट्टी गिट्टी बांध कर और अपनी वाहन में रख कर सराय में जाके छोड़ दिया। आज हम इसको अच्छी तरह से समझना है। हम भी ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर से दूर थे, हमारा जीवन में भी ऐसे शैतान आके मारा पीटा, पूरा दुख दिया, वेदना दिया। हाँ, कोई भी आके हमको सुसमाचार बताया, यीशु मसीह हमको ढूंढ के आया, किसी के द्वारा आके बोला, फिर हमको इस कलिशिया में क्या किया, छोड़ दिया। सराय मतलब कलिशिया, चर्च। हाँ, उसमें छोड़ दिया। फिर हमारे लिए देखभाल करने के लिए यहाँ हमारा पास्टर अंकल को रखा, वचन देने के लिए है, हमारा जीवन में जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, हम हमेशा यीशु मसीह के अंदर रहने के लिए इस कलिशिया में आके छोड़ दिया। इसको कहते हैं, इसको ही वो उसमें लिखा, सराय में आके छोड़ दिया यीशु मसीह है, कलिशिया को सिर है। यीशु मसीह कौन है? कलिशिया का सिर है। कलिशिया यीशु मसीह का शरीर है, उसमें आ गए हैं हम लोग। हैं? किसमें आ गए हैं? यीशु मसीह के शरीर में एक एक पार्ट्स बन गए हैं, बॉडी पार्ट्स बोलते हैं ना, हैं? बॉडी पार्ट्स बन गए हैं हम सब लोग। हम सुरक्षित जगह पर आ गए हैं। इसमें से हमको क्या सीख मिलती है? हमको यीशु मसीह के पास ही रहना, यीशु मसीह के छोड़ के दूर नहीं जाना, और हम अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखना। सबसे फर्स्ट है हम परमेश्वर से प्रेम रखना, अपनी पूरी मन से, पूरी ताकत से उनको हम प्रेम करना, अपने को जैसे प्रेम करते हैं अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना। और यीशु मसीह हमारा जीवन में क्यों आया बेटा? जीवन देने, बहुदायत के जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, चंगाई करता है, सामर्थ देता है, है? हमारा जीवन में खुशियां लाता है। यीशु मसीह का लहू में ही हमारा सब कुछ है, अनंत जीवन उसी में ही है। यीशु मसीह का लहू में ही हमारा अनंत जीवन है। जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं। समझ आ गया? यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है। चोर क्यों आया? चोरी करने, घात करने, चोरी यही काम करता है। हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा है, है? हमारे लिए अपनी जीवन दे दिया, हमको भी जीवन देने के लिए, है? अपने जीवन को भी हमें दे दिया। क्यों? हम जीवन पाए और बहुदायत की जीवन पाए। इसको कभी नहीं भूलने का, है? ठीक है, गाना गाएंगे। हाँ, यीशु मसीह का लहू में ही हमारा सब कुछ है। गाओ यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, क्योंकि उसी लहू में सामर्थ है, क्योंकि उसी लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय, क्योंकि उसी लहू में छुटकारा है, क्योंकि उसी लहू में छुटकारा है। बोलो यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, क्योंकि उसी लहू में
अनंत जीवन है, क्योंकि उसी लहू में अनंत जीवन है। यीशु की लहू की जय, बोलो यीशु की लहू की जय। वेरी गुड। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह का लहू में हमारा अनंत जीवन है, हमारा छुटकारा है, हमारा खुशी है, हमारा भरपूरी जीवन है। सब कुछ यीशु मसीह में ही है। उनको छोड़ के हमको दूर नहीं जाना। अगर जाएंगे, जैसे डाकू चोर आकर उसको मारता पीटता कूटता और अधुमधुरा छोड़ के चला जाता, शैतान मौका को ढूंढता है, किसको फाड़ खाएंगे करके शेर के समान ढूंढता है। बच्चे लोग, कभी भी हम यीशु मसीह को छोड़ के दूर नहीं जाना, कलीसिया को छोड़ के दूर नहीं जाना। भाई बहन की संगति में हम हमेशा बने रहना, अपने समान अपनी पड़ोसी को भी हम प्रेम रखना, दया दिखाना। सबसे फर्स्ट हम यीशु मसीह को प्रेम करना, अपनी सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ हम परमेश्वर को प्रेम करना। समझ आया? हमारा दयालु समारी कौन है? यीशु मसीह। वो हमसे प्रेम किया, तरस खाया, तेल डाला, दाख मधु क्या है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए डाला, हमको बचाया, हमको छुड़ाया, हमको इस कलीसिया में लेके आया यीशु मसीह। इसमें देखो, इसमें वो बोल के जा रहा है, मैं वापस आऊंगा। अब यीशु मसीह आने वाले हैं हम सबको लेके जाने के लिए। कितना अच्छा रहा है, यही है हमारे लिए धन्य आशा। इस आशा के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, हम सबको लेके जाएगा। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो जिंदा है हम बदल एक एक पलक मारते हुए हम बदल जाएंगे। कितना एक अच्छा आशा है, धन्य आशा। इस आशा हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। बच्चे लोग हमेशा याद रखना, हम यीशु मसीह में ही बने रहना, उसी में ही हमको खड़ा रहना, स्थिर रहना, उसी में ही सब कुछ है। उसके छोड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया? प्रार्थना करेंगे? ठीक है, कान बंद कर दे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु हमसे इतना प्यार किया, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह का लहू में ही हमको छुटकारा है, यीशु मसीह का लहू में हमारे लिए प्रभु चंगाई है, आनंद है, भरपूरी जीवन है, खुशी है, सब कुछ यीशु मसीह का लहू में है, अनंत जीवन उसी में ही है। परमेश्वर पिता इन सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। जो पवित्र बीज प्रभु बोया गया, 100 गुना फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन बच्चे लोग प्रभु आपके में बने रहना, हमेशा प्रभु आपको पूरी ताकत से प्रेम करने के लिए, प्रभु अपनी पड़ोसी को भी प्रेम करने के लिए, अपने समान प्रेम करने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया, आपको छोड़ के दूर नहीं जाना है प्रभु, आपके में ही बने रहने के लिए मदद कीजिए, मुझे भी मदद कीजिए। हालेलुया, जो वचन प्रभु हम लोग आज सुने हैं, हालेलुया, इस वचन हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चों को हाथों में समर्पण करती हूँ, मुझे भी समर्पण करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हालेलुया, आप हमें संभालिए, सुरक्षा रखिए, आप हमें चलाइए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।